वायुसेना ने पाकिस्तान का हमला नाकाम किया। इस कोशिश में पाकिस्तान का एक F-16 प्लेन को हमने मार गिराया। इस घटना में हमारा एक MiG-21 विमान नष्ट हो गया है। इसमें हमारा एक पायलट गायब है। पाकिस्तान हमारे पायलट की हिरासत में होने की बात कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर हलचल काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान के कुछ लड़ाकू विमानों ने भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन करने के बाद लेह, जम्मू, श्रीनगर और पठानकोट एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई कमर्शियल फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है। अमृतसर हवाई अड्डे पर भी फ्लाइट्स ऑपरेशन को रोक दिया गया है। इस बीच भारत में हलचल भी काफी बड़ी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल गृह मंत्रालय पहुंचे हैं, जहां गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक शुरू हो गई है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन कार्यक्रम को छोटा किया गया। ये ऐसे वक्त पर किया गया जब ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान ने सुबह भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन का प्रयास किया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक बुधवार की सुबह भारतीय वायु क्षेत्र का पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम को छोटा कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ गए। चीन के वुजैन में रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक चल रही है। इसमें सुषमा स्वराज ने पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया। सुषमा ने पाक की सीमा में भारत के हमले को लेकर कहा है कि ये कोई सैन्य अभियान नहीं था। इसमें पाक के किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया, केवल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। भारत किसी भी रूप से तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता। हम जिम्मेदारी और संयम से काम करते रहेंगे। पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला कर जैश के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसमें 350 आतंकवादी मारे गए थे। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख अजहर मसूद ने बुधवार को यह स्वीकार किया कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट के आतंकवादी शिविरों पर मंगलवार को तड़के हवाई हमले किए।